और अभी कट रहा है केक गिरनी का। गाइस आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद थोड़ा मैंने अपना एक कमरा साफ करा, इसका हो लिया थोड़ा बहुत अच्छा करा, क्योंकि कमरा जो है ना सुबह जब उठ के जाता हूँ तो बहुत ज्यादा गंदा मिलता है। और अभी मुझे भूख लग रही है तो मैं अभी देखने आ रहा हूँ किचन में कुछ खाने को मिल जाए, और जो कुछ भी मिलेगा मैं उसको खा लूंगा। कुछ मैं आज हमारे यहाँ खाने में बना नहीं है, मम्मी ने बाहर से मंगाई है कचौड़ी, तो मैंने सोचा कि उनको ला लेता हूँ पहले खाने के लिए, क्योंकि उस स्कूल में था ना तो आता 3 घंटे का पेपर, और आज का पेपर जो है ना मेरा इतना सटीक गया, मजे आ गए मुझे उस पेपर को देख के। और उसमें इतने इजी इजी आए, बस लास्ट के कहानियां में से दो नीचे के रह गए, वो मैंने बना बना के ऐसे ऐसे लिख दिए सर ने। कुछ भी आए भले तुमको आना ना हो पर लिख के जरूर आना, कुछ छोड़ के नहीं आना। तो मैं सब कुछ लिख के आया उसमें, पर एक रह गया मेरा क्वेश्चन 3, वो गद्या उसमें आंसर ढूंढने थे और मैं उसको हल्के में ले गया, मैं कि बाद में ढूंढ लूंगा। बाद में ढूंढने के चक्कर में ना पूरे 3 घंटे चले गए लिखते लिखते, पत्र लिखा उसमें था 250 का, तो उसमें वो आया था लेखन, तो वो करा क्या 150 शब्द का वो आया था, पत्र लिखो फिर वो करा ऐसे। और करने के बाद ना ज्यादातर बच्चे गिनते हैं, मैंने गिना नहीं, मैं क्या चलो एक एक पेज एक और आधा पेज लिख दिया मैंने, और आधा एक और आधा पेज लिखने के बाद मैं क्या करा गिना नहीं, वहीं पे थैंक यू लिख के धन्यवाद धन्यवाद हिंदी का था ना, धन्यवाद लिख के अगले पन्ने पे वो उसको भी लिखा, और फिर अपना एड्रेस लिखा कुलदीप बिहार, मतलब उसके ऊपर आया था वो क्या जो थाना है तुम्हारे जिले का जो थाना है, तो उसमें अपराध हो रहे हैं तो उसके ऊपर लिखो 50 वर्ड का, तो मैंने वो लिखा। अभी मैंने कैमरा जो है वाले हाथ से पकड़ रखा, यार हाथ भी कर रखा, डांस भी तो करना, पेपर अच्छा गया पेपर अच्छा गया। तो लेता हूँ अभी खाना खाने के लिए, मेरे बाबू ने खाना खाया, कचौड़ी ले ली है और देख के मुंह में पानी आ गया, अली कचौड़ी में बहुत ही टेस्टी लगती है। ओ सिमी चुई सॉरी चुई, प्लेट लेके आना करते सिमी के ऊपर हाथ रख गया, हाथ नहीं पैर रख गया, पहले इसको प्लेट को अंदर रख के आता हूँ फिर धोता हूँ हाथ फिर से। और मेरा ये ब्लूटूथ बटन का बटन जो होता है ना ये चल तो रहा है, ब्लू लाइट प्रेस तो मार रही है इसमें, पर इसका सेल जो है वो खत्म हो चुका है, तो ब्लूटूथ कनेक्ट मारना नहीं है, इसलिए मुझे हाथ से ऐसे टच करके बंद करना पड़ रहा है। खाना खाने के बाद मम्मी कह रही है कि चाय बना दे, और नीचे पढ़ने के लिए ट्यूशन वाले बच्चे भी आ चुके हैं, तो उनके साथ नानी भी आ चुकी हैं, उनके लिए चाय बना दूंगा और अपने के लिए भी बना लूंगा। मैंने अभी ये गैस पे पानी रख दिया चाय बनने के लिए, तो ये चाय में पहले चीनी चाय पत्ती और डाल दूं, मैंने पानी रख दिया था और चीनी चाय पत्ती डाली थी, अब चीनी चाय पत्ती भी डाल दी, तो चाय अपना बन रही है आराम से, उसको बनने देते हैं। और अब मैं अब जो मेरा पेपर है ना, अब वो है पेपर केमिस्ट्री का, अब वो है 29 तारीख को, संडे की छुट्टी मंडे की छुट्टी, और 29 तारीख को अब वो पेपर है। वैसे तो था मंडे को, पर मंडे को वो हटाकर 29 को कर दिया है, इनको ना कोई सरकारी छुट्टी है इस वजह से 29 का कर दिया। और अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ चाय के बनने का, जल्दी से चाय बने, और केमिस्ट्री की मैंने बुक वगैरह अभी निकाल ली है ये रखी, तो अभी इसको बैठ के पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद जब चाय वगैरह बन जाएगी, और शायद अभी मैं मार्केट जाऊँ। चाय तो बन के रेडी हो चुकी है, तो पहले मम्मी को देख के आता हूँ और नीचे देख के आता हूँ नानी को। मम्मी को तो चाय दे आया हूँ, और ये हेलमेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे लाने हैं बाजार से आलू और टमाटर, तो वहाँ बाजार चलता हूँ और नानी को नीचे चाय दे के आता हूँ, और चाय लेके नीचे तो आ चुका हूँ। नमस्ते भैया, हाय सिद्धि, हाय नानी, योर टी एनिमल दीदी, हाँ मालकिन, 4.5 रुपए के चाय के। हेलमेट संभाल के चलना पड़ता है। तो चाय दे दी है और दीदी को भी चाय दे दी, तो अब चलता हूँ सीधे मार्केट की तरफ। तो अपनी गली से बाहर निकलने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ रोड पर, और मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ नौरंगाबाद, क्योंकि नौरंगाबाद में सब्जी अच्छी खासी मिल जाएंगी इस टाइम पे, वहीं पे सब्जी मार्केट लग रहा होगा अच्छा सा, तो वहाँ पे ताज़ी सब्जी मिल जाएंगी। और जैसे ही रोड पर आते हैं ना, तो ये देखो कितना सारा जाम, लगातार गाड़ी आए जा रही हैं इस तरफ से, और ये देखो, और ये जाने के लिए बगल में गाड़ी भी वेट कर रही है, पर मैं तो अपना साइड से निकाल के ले जाता हूँ। और बात करते करते हम अभी आ चुके हैं नौरंगाबाद, और पहले पहुँचता हूँ सब्जी की दुकान पर, वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, तो पहले वहाँ पहुँचते हैं। और लियो भाई सब्जी की दुकान पर तो पहुँच चुका हूँ, और देखो कितनी सारी सब्जी हैं, यहीं पे एक मार्केट बन जाती है पूरी। अभी तो अंकल जी से कह दिया है, वो अभी सब्जी तोड़ रहे हैं, आलू तो हो चुके हैं, और इनको रखता हूँ पहले टिक्की में, और सब्जी लेके अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। और जब मैं घर से निकला था तब कितना जाम था, और यहाँ पे कितना खाली खाली है नौरंगाबाद में, तो पहले पहुँचता हूँ सीधा घर।
मैं घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद पहले मैंने अपने बाल काटे, चंपू से लग रहे थे, और ये मेरे हाथ में जो है गुब्बारे फुलाने वाली मशीन है। तो ये हमारे गली में आज है एक छोटी सी बच्ची का जन्मदिन जिसका नाम है अक्कू। मुझे उस हम तो उसको प्यार से अक्कू ही बुलाते हैं। तो अभी मैं अक्कू के यहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि उसके घर पर जो है बर्थडे सेलिब्रेट करा जाएगा, तो वहाँ डेकोरेट करने के लिए गुब्बारों में हवा करने के लिए वाली मशीन लेके जा रहा हूँ। तो पहुँचता हूँ अक्कू के यहाँ पे, और उसका अक्कू का घर हमारी गली में ही है, और आज वो कंप्लीट 1 साल की हो चुकी। अपनी के घर पर भी आ चुका हूँ और अभी चलता हूँ अंदर, अंदर से आया जा रहा है। हाँ, कैसे कैसे डेकोरेट करना है बता दो फिर। ताई कहाँ गई, कहाँ, कैसे कैसे डेकोरेट करना है? ओके है, हाँ ब्लॉग चल रहा है इनका है बर्थडे, और ये बड़े सुंदर अन भाभी ने सजा दिए हैं। ए बिंदी दिखा दो आप अपनी, भाभी ने मुझे सामान दे दिया है गुब्बारे फुलाने का, और यहाँ पे गिन्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करा जाएगा हॉल में। तो पहले तो मैं इन गुब्बारों को फुला रहा हूँ, पहले गुब्बारे हैं और इतने सारे गुब्बारे देखे तो मेरा ही मन कर गया इनसे खेलने का। ये देखो, और एक कुछ बच्चे तो फुलाने भी लग गए। इस मशीन से इनको फुला देता हूँ। ब्लैक वाले गुब्बारे तो सब फुल चुके हैं और थोड़े बहुत रह गए अब गोल्डन वाले, तो वो फुला बर्थडे वो अपना अलग ही मजे ले रही है। क्या मेरे पापा मारेंगे। और यहाँ पे गुब्बारे वगैरह का पूरा खत्म करता हूँ डेकोरेशन, ये से हमारे यहाँ डेकोरेट हो चुका है, और अभी बस बाकी है केक कटने के लिए, और जिसका केक कटेगा वो अभी हुई गई है रेडी होने के लिए, और कर रहे हैं उसका आने का, और जब वो आएगी तब कटेगा केक। मैं आ चुका हूँ अपने घर पर अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि कपड़े थोड़े बहुत पार्टी लायक नहीं लग रहे थे, इसलिए पहले मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर पर कपड़े चेंज करने के लिए, और फिर तैयार होकर सीधा चलूंगा ताई के यहाँ। है मम्मी कह रही गिन्नी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। तो पहले अच्छी तरीके से मस्त सा एकदम सेट होकर तैयार हो जाता हूँ। मैं अच्छी तरीके से तैयार हो चुका हूँ, और मैंने अपना गोप्रो जो है इस स्टिक में सेट कर लिया है, और चलते हैं बनाते हैं वहाँ पे मस्त सा एक ब्लॉग बर्थडे का। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बनाया है। चावल, और इसमें है आलू, और इसमें शायद छोले हैं, और अभी बन रहे हैं भटूरे गर्मा गर्म। तो दीदी भाभी की मदद करनी है खाना बनाने में, चुका है अभी खा रहा हूँ मैं खाना। खा पी कर तो मैं आ चुका हूँ अभी घर पर, और खाना जो था बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मुझे एक बात तो कहती, जिसका बर्थडे होता है ना उसको खुद ही नहीं पता होता जब हम छोटे होते हैं कि हमारे संग हो क्या रहा है। और गिन्नी का केक कट रहा था वो समझ ही नहीं पा रही थी मेरे संग हो क्या रहा है, बस उसको जो गिफ्ट मिले वो उन गिफ्टों से खेलने लग गई, उसके लिए वही खिलौना मल गया। और केक पे जो कट रहा खाना वगैरह बनना है उसका कोई मतलब नहीं, वो अपना अलग से डांस करने में लगी हुई है। तो इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग। चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग।